करीब 300 लड़कों को एक बैच में दौड़ा जा रहा है, और जगह आपको पता ही है कितनी होती है वहाँ पर। गधों की तरह दौड़ा जा रहा है, भेड़ों की तरह उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है। जो भी नियुक्तियाँ उसमें हुई है, जो भी पदाधिकारी नए आए हैं, वो सारे के सारे या तो किसी मिनिस्टर के चेले चपाटे हैं, विधायक के चेले चपाटे हैं, या फिर उनके रिश्तेदार हैं। अगर आप आज भी चुप रहेंगे तो मेरे ख्याल से फिर इस प्रदेश की बर्बादी का जश्न आप मनाने के लिए तैयार हो जाएं। हेलो जी, राम राम, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज है 27 अगस्त 2022, शाम की बज चुकी हैं 6, और अमूमन मैं शाम को ऊपर धार में बैठता हूँ। यहाँ बैठकर जो सुकून और शांति मुझे मिलती है वो अद्भुत है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसे मैं शुरू करने से पहले अपने जो उत्तराखंड के फेसबुक पेजेस हैं, इंस्टाग्राम पेजेस हैं, जो इन्फ्लुएंसर हैं और यूट्यूबर्स हैं, उनसे एक अनुरोध करना चाहूँगा कि कृपया आप सभी युवाओं का साथ दीजिए। जो उत्तराखंड के युवाओं के साथ बुरा हो रहा है, जैसी उन पर बीती है, और जो भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश में फैल चुका है, उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाइए। क्योंकि अगर आप आज भी चुप रहेंगे तो मेरे ख्याल से फिर इस प्रदेश की बर्बादी का जश्न आप मनाने के लिए तैयार हो जाएं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा अग्निवीर की जो भर्ती इस वक्त हो रही है पूरे प्रदेश में, उसके बारे में। पहली बार हमारे गांव में ऐसा हुआ कि किसी ने दौड़ नहीं निकाली, यानी कि जो फिजिकल की दौड़ होती है वो पास नहीं की। 10 लड़के हमारे गांव से रानीखेत भर्ती में गए थे और 10 में से किसी ने भी दौड़ नहीं निकाली। जी हाँ, GD की जो भर्ती थी उसमें 10 लड़के गए थे। भर्ती न निकालने का कारण, दौड़ न निकालने का कारण ये नहीं है कि वो काबिल नहीं है। दौड़ न निकालने का कारण है कि उन्हें वहाँ पर घोड़ों की तरह दौड़ा जा रहा है, गधों की तरह दौड़ा जा रहा है, भेड़ों की तरह उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है। उनके कहे अनुसार करीब 300 लड़कों को एक बैच में दौड़ा जा रहा है, और जगह आपको पता ही है कितनी होती है वहाँ पर। अगर उसी एरिया में 300 उसैन बोल्ट आ जाए ना, और उनको भी एक साथ दौड़ा दिया जाए, तो उसमें भी कितने लोग वो दौड़ निकाल पाएंगे हमें पता ही है। दूसरी बात कि 300 में से कितने लोगों को ले रहे हैं और कितना टाइम दे रहे हैं। बड़े दुख की बात है दोस्तों, हमारे उत्तराखंड को सैनी धाम कहा जाता था, लेकिन आज इसकी जो स्थिति है वो बहुत बदतर है। जो 10 लड़के हमारे यहाँ से दौड़ में गए थे, दौड़ में भाग लेने गए थे, उनमें से 3 लड़कों ने पिछली बार न सिर्फ दौड़ निकाली थी, बल्कि उनका मेडिकल भी हो गया था, बस रिटर्न बचा था, लेकिन वो अग्निवीर योजना आने की वजह से कैंसिल हो गया। और इनमें से एक का तो एयरफोर्स में भी हो गया था। अब आप सोचिए कि कैसी उन पर बीती होगी इस बार। खैर, अब बात करते हैं दोस्तों UK SSSC की। उसके तहत भी जो वीडियो वीडियो की भर्तियां हुई थी, उसमें हमारे गांव के 2 लड़कों ने सफलता हासिल की थी, और उनकी सफलता के पीछे उनका जो मेहनत था, उनकी जो लगन थी, वो हम गांव वालों को ही पता है कितनी थी। लेकिन इस भर्ती के ऊपर भी भ्रष्टाचार का साया पड़ गया, और इस बीच मुख्यमंत्री महोदय ने सामने आकर एक फेसबुक पोस्ट कर दिया कि जो भी भर्तियां इस बीच हुई हैं वो कैंसिल हो गई हैं। तो मेरा सवाल बस इतना है कि क्या दोष है उन लोगों का जिन्होंने दिन रात मेहनत की और ये परीक्षा उत्तीर्ण की? क्या दोष है उनका जो 8-8, 10-10 घंटे अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते थे, पढ़ते रहते थे, तब जाकर उन्होंने ये परीक्षा उत्तीर्ण की? क्या दोष है उनका? किसी के लिए, मंत्री के लिए, या फिर आप चाहे मुख्यमंत्री हो, आपके लिए कहना बड़ा आसान है कि परीक्षाएं वो स्थगित हो गई हैं, अब वो दोबारा होंगी। लेकिन आप खुद सोचिए कि जिनके घर में एक बार खुशियां मनाई जा चुकी हैं, जिनके परिवार वालों को वर्षों से उस दिन का इंतज़ार था और वो आ भी गया था, लेकिन वो दिन उनसे वापस छीन लिया गया है, वो खुशी, वो सफलता उनसे वापस छीन ली ली गई है, तो उनके ऊपर क्या बीत रही होगी? क्या आप इस बात को समझ सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि कोई इस बात को समझ सकता है, खासकर मुख्यमंत्री महोदय। अगर वो समझ सकते तो इस तरह से सीधे आकर निरस्त नहीं करते, बल्कि ये करते कि जो अभ्यर्थी घूस देकर भर्ती हुए थे उनको बाहर निकालते, जिन्होंने इस पूरे प्रकरण को अंजाम दिया, जिसकी भी इसमें सहभागिता रही, उनको कठोर दंड देते, लेकिन आपने सीधे पेपर कैंसिल कर दिया। पता नहीं उनको दंड कब मिलेगा जो इसके पीछे जिम्मेदार हैं। दोस्तों, इसी बीच एक और मामला आया है, बड़ा हास्यास्पद है। अभी जो नियुक्तियां आई थी
बेगडोर वाली विधानसभा के लिए, उनमें अगर आप देखेंगे जो लिस्ट वायरल हुई है वो सारे के सारे जो भी नियुक्तियां उसमें हुई है, जो भी पदाधिकारी नए आए हैं, वो सारे के सारे या तो किसी मिनिस्टर के चेले चपाटे हैं, विधायक के चेले चपाटे हैं, या फिर उनके रिश्तेदार हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के ओएसडी के साले की भी उसमें नियुक्ति हुई है, विधानसभा के शायद वो आरओ या फिर एआरओ की पोस्टें हैं। तो आप देख सकते हैं कि पूरी तरह पूरा जो तंत्र है हमारा, जहाँ से हमारी सरकार चलती है, वो किस तरह से भ्रष्ट है और किस तरह से उसमें चुपचाप नियुक्तियाँ हो जाती हैं। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उत्तराखंड की इस वक्त स्थिति कैसी है। इसलिए मैं उन सभी लोगों से दरख्वास्त करता हूँ जो भी फेसबुक पर या फिर यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंसर हैं या फिर पेज वगैरह चलाते हैं, वो सभी लोग आगे आएँ और इस बात का कड़ा विरोध करें। मेरे कुछ साथी जिनको मैं देख रहा था, जैसे हमारे पंकज दा हैं, पंकज जीना, उन्होंने अपना स्वर मुखर किया है, उनका तो वैसे भी नाम मुखर है, तो उन्होंने इस बात का विरोध किया है। पवन पहाड़ी जो कॉमेडियन है फेमस, उनकी वीडियो में उनका एक पोस्ट देख रहा था, उन्होंने भी इस बात का विरोध किया है। एक ज्योति भट्ट का आज मैं वीडियो देख रहा था, उन्होंने भी अपनी वीडियो के जरिए इस बात का जो भ्रष्टाचार हो रहा है पूरे प्रदेश में उसका विरोध किया है। तो मैं आप सभी से भी इस बात का अनुरोध करता हूँ, कृपया अपने स्तर पर, अपने अपने जहाँ पर भी आप हैं वहाँ से इस सबका विरोध कीजिए। नहीं तो ये सुंदर जो हमारा प्रदेश है, ये एक दिन हमें बर्बाद गुलिस्ता बन जाएगा, ये प्रदेश पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। भ्रष्टाचार का जो कीड़ा होता है ना, वो हमारे तंत्र को पूरी तरह से खा चुका है। फिलहाल आज का ब्लॉग ब्लॉग के आज का वीडियो ही था, बस मुझे थोड़ा बुरा लग रहा था अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को देखकर, तो मैंने सोचा आज क्या वही सब दिखाएं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, तो मैंने सोचा कि आज सीधे मुद्दे की बात करते हैं। तो आज मुद्दे की बात यही थी। फिलहाल ये वीडियो करता हूँ मैं यहीं पर समाप्त। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर मुझसे कोई गलती हो गई है, मेरे से कोई भूल हो गई हो, आपको मेरी बात पसंद नहीं आई हो, तो वो भी लिखें और मुझे माफ़ कर दें, लेकिन मेरे से नहीं बर्दाश्त होता।